एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित गैडबरा गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान पिंकी हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1450 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में 400 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 70 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 160 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 20 सोलर लाइट व 44 स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 10 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 360 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, संसान घाट व कब्रिस्तान की बाउंड्री, मंदिर की बाउंड्री, खेल का मैदान, जूनियर हाई स्कूल, बिजली घर, पशु चिकित्सालय, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान गैडबरा पिंकी पति अरुण कुमार, ब्लॉक बिनोली, तहसील बागपत, थाना दोगट, न्याय पंचायत गैडबरा दहा, ग्राम गैडबरा। हमने गांव में जो काम कराए हैं उनमें 44 स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई हैं और 68 शौचालयों का निर्माण यानी कि पूर्णतः ऑडिट ODF हमने अपना गांव करा दिया। 4 लोहिया आवास दिलवाए गरीब जो बिल्कुल पात्र व्यक्ति थे उनको, और नाले की सफाई, स्कूल में पेंटिंग व स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय बनवाए व नाले की सफाई और एक नाले की खुदाई कराई, और भविष्य में जो हमें काम करने हैं उनके लिए पंचायत घर का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट व कब्रिस्तान की 4 दीवारी, देवस्थान भूमिया की 4 दीवारी और मेन रास्ता इंटरलॉकिंग कार्य, एक खेल का मैदान, जूनियर हाई स्कूल, बिजली घर 132 KV जो कि हमारे यहाँ प्रस्तावित है, मेन रास्ता गांव के बीच से इंटरलॉकिंग कार्य करीब 400 मीटर, चौपाल की मरम्मत, पशु स्वास्थ्य केंद्र, तालाबों की खुदाई व सौंदर्यकरण आदि कार्य भविष्य में करवाने का संकल्प लिया है, और बाकी जो हैंडपंप गांव में खराब है उनकी मरम्मत और रिपोर्ट और कुछ नए नल लगवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है भविष्य में संकल्प लेता हूँ कि इन कार्य को मैं पूरा करवा सकूँ। दिल्ली सरकार है उससे भाई कोई पैसा जैसा 14वीं उनका आता है उसको बढ़ा के दे दें, और राज्य सरकार से भी जो राजवित हमारा आता है उसमें कुछ बढ़ोतरी करके जिससे मैं गांव को पूर्ण विकास और पूर्ण सौंदर्यकरण करा सकें, इसमें हमारी सहायता करें। और सरकार से मैं यही चाहता हूँ और यही आशा करता हूँ, हमारी दोनों सरकार अच्छी सरकारें हैं और भविष्य में इनसे सहायता मिलती रहे और इनका भी और हमारा भी कार्य यानी कि विकास कार्य बिल्कुल रुकने ना पाए, इतनी धनराशि हमको मिल जाए।